हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टूरिंग क्लास व्लॉग्स। आज हम जा 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 कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो ले जाओ। रन। तो आज हम जा रहे हैं जम्मू के तीर्थ स्थल छोटी काशी यानी कि प्रमंडल। इस तीर्थ में हमें ज्वाइन किया है हमारे कुछ पापी पापी नहीं प्यारे दोस्तों ने। निकले तो घर से हम प्रमंडल जाने के लिए थे, लेकिन रास्ते में हमें ज्वाइन किया हमारे एक लोकल फ्रेंड ने, जो हमें प्रमंडल से पहले उत्तरवैनी लेके गए। उत्तरवैनी का नाम ही अपने आप को डिफाइन करता है। यहाँ देविका नदी उत्तर दिशा की ओर बहते हुए प्रमंडल की ओर जाती है। उत्तरवैनी में दो मंदिर हैं, ये मंदिर माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण जी का है। दूसरा मंदिर उमावती देवों के देव महादेव शिव शंकर भगवान जी का है। मंदिर के अंदर एक विशाल भव्य शिवलिंग की स्थापना की गई है। मंदिर का वातावरण आपके मन को शांति प्रदान करने वाला है। विशाल शिवलिंग के साथ यहाँ पे विशाल नंदीगंजी की स्थापना भी की गई है। मंदिर में लगी इस विशाल घंटी से हम इस मंदिर की प्राचीनता का अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तरवैनी में दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम प्रमंडल की ओर निकल पड़े। प्रमंडल पहुंचते ही मार्केट में निकल रहे गरम गरम पकौड़े और चाय जरूर आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। कुछ ही देर बाद हम दर्शन कर पाए गुप्त गंगा देविका नदी के, जिसके ऊपर हमारे साथ साथ भारी भरकम ट्रक और आदि जीव जंतु भी आराम से चल पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर इस गुप्त गंगा का प्रमाण देने के लिए थोड़ी सी मिट्टी खोद कर हम पानी निकलता देख सकते हैं। गुप्त गंगा के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं प्राचीन प्रमंडल मंदिर के दर्शन करने। प्रमंडल में स्थित ये प्राचीन मंदिर करीब करीब 2500 साल पुराना है। शिव भगवान के इस प्राचीन मंदिर में 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की गई है, जिनके दर्शन करने और अपने पाप धोने कुछ लोग यहाँ अक्सर आते रहते हैं।
अब हम आपको इस मंदिर के अंदर ले जाएंगे और शिव जी के दर्शन करवाएंगे। यहाँ जो शिवलिंग है वो आप शंभु है, यानी कि प्राचीनिक तौर पे खुद ब खुद प्रकट हुआ है। इस कुंड में चमत्कारिक शक्ति है, यहाँ पे आप जितना भी पानी चढ़ाएं इसका लेवल इतना ही रहेगा। इस कुंड के साइड में ही एक अखंड ज्योत भी जलाई जाती है, जो साल के 365 दिन 2400 घंटे जलती रहती है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।